विभिन्न सरकारें और जनप्रतिनिधि आते जाते रहे हैं, पर आम आदमी की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। इसी प्रकार कपकोट की गरीब महिला ने बताया कि जिस मकान में वो रह रही हैं, वो किसी भी वक्त क्षतिग्रस्त हो सकता है। साथ ही बार बार सरकारों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करने पर भी उनकी कोई मदद नहीं की गई। वृद्ध महिला हिम्मती देवी ने बताया कि उनके पति की मृत्यु 21 वर्ष पूर्व हो चुकी है और उनकी दोनों बेटियों का भी विवाह हो चुका है। वो अब अपने मायके में अकेले रह रही हैं, जहां उनका न ध्यान देने वाला कोई है न साथ देने वाला। उनका सरकार से निवेदन है कि उन्हें रहने का कोई ठिकाना या कोई मदद मुहैया कराई जाए। हमने मकान सुनिया कोई कमोनी दमोनी वाला कोई ना, मैं रनियल शेन हूं, कोई देखने ना न मेरे चाल हूं, यदि बन जान कोई मेरे तो रुकना चाण है, विपक्षी हूँ मैं, न मेरे बहुन न मेरी बोझी हूँ, जो छोड़िया छोड़ी हूँ मेरे अब आप घर रन है ज्ञान मिलू है विदा करान कोई ना आने अब मकान उधर हूँ जब कोह मेरे मैं उसी का चापी बेमन हूँ। तो सरकार राज्य की मदद सरकार तो रूप बटे के मदद न मिल रही मेरा कोई देखना था कोई देखना था कि आया हूँ पा ब्लॉक में बटे के ना करूँ ये चाहिए ना कहा कहा बन ज्ञान पहले मैं तो रूप पहले ना चाहिए क्या करूँ आप मेरा कुल भी धर्म हो कोई ना मेरे न्यूज़ के लिए कपूर से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।